बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा लेक्चर है वो है द रिसर्च पेपर। मीन्स इसके अंदर हम आज देखेंगे कि एक अच्छा रिसर्च पेपर किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है जिसपे कंसिस्ट होके हम एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें ज़रूरत क्यों होती है कोई भी एक रिसर्च पेपर लिखने की। तो मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है, आपके टीचर्स की डिमांड होती है कि जब अगर आप कोई कोर्स स्टडी करते हो जिसमें आप करंटली इनरोल्ड होते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा रिसर्च पेपर लिखिए, ताकि उसके आपको डेप्थ नॉलेज हो, उसके आप डीप लाइक स्टडी करो तो आपके कमांड जो हो उस सब्जेक्ट पे या उस डोमेन के अंदर स्ट्रॉन्ग होते चले जाए। तो रिसर्च पेपर के लिखने के स्टार्टिंग पे कुछ लर्निंग टारगेट्स होते हैं जिनको हमें पहले देखना चाहिए। तो नंबर वन पे हमारे पास है हाउ टू चूज अ टॉपिक। सबसे मेन हमारे पास होता है ये नंबर वन पॉइंट, हाउ टू चूज अ टॉपिक। टॉपिक को किस तरीके से चूज किया जाए, अगर हमारे पास एक अच्छा टॉपिक होगा तो फिर उसी रेलेवेंट हम उसका कॉन्टेंट वगैरह फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स से या डिफरेंट रिसर्चर्स के। लेकिन उससे पहले हमारे लिए सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है कि टॉपिक को किस तरीके से चूज किया जाए। देन नंबर टू पे आता है हमारे पास हाउ टू राइट अ थीसिस और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। जब आपके पास एक अच्छा सा टॉपिक आ जाता है तो देन आप उसके ऊपर एक रफ ड्राफ्ट, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट किस तरीके से लिखते हैं वो हमारे पास इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट या रफ ड्राफ्ट जो भी आप इसको कहें वो नंबर टू पे आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नंबर थ्री, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेजरिज्म एंड एक्सेप्टेबल प्लेजर। उसके बाद हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी प्लेजरिज्म कहलाती हैं और कौन सी स्टेटमेंट अगर हम कॉपी करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल प्लेजरिज्म होता है। इंशाल्लाह हम आगे स्लाइड्स में इसको अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ होती है। देन नंबर फोर पे आता है लर्न हाउ टू यूज पैरेंथेटिकल नोटेशंस। जब हम अपने रिसर्च पेपर के अंदर पैरेंथेटिकल नोटेशंस का यूज़ करते हैं तो उसका क्या मकसद होता है या वो कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, किस जगह पे, किस जहाँ पे उसकी क्या नीड होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देन बिब्लियोग्राफी एंड द प्रॉपर फॉर्मेट। आप जब एक रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल कोई फॉर्मेट को फॉलो करना होता है जिसके बिहाफ पे आप एक अपना अच्छा सा रिसर्च पेपर लिखते हैं उसी यूनिफॉर्मिटी के अंदर जो भी उस फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च क्या है। रिसर्च जो वर्ड है बेसिकली फ्रेंच वर्ड है सर्चर, जिसका मीनिंग है सीक और सर्च, ढूंढना, सर्च करना। एंड री इज अ प्रीफिक्स इन दिस वर्ड रिसर्च, दैट मीन्स अगेन ऑलरेडी अगर एक चीज कोई है, मौजूद है, तो उसको इन डेप्थ, उसकी इंटेंसिव सर्च करना हमारे पास रिसर्च कहलाती है। कि सपोज लाइक कि अगर कोई मेरे पास एक टॉपिक है उसको मैं डिफरेंट तरीकों से उसको इन डेप्थ स्टडी करती हूँ तो मुझे उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे पास नजर आ जाती है तो जिसको मैं हाईलाइट करके अपनी एक रिसर्च कर सकती हूँ, तो वो एक रिसर्च हमारी कहलाती है जो कि जिसके अगेंस्ट आपको कोई भी एक नॉलेज मिल जाए। देन हम देखेंगे स्ट्रक्चर। रिसर्च स्ट्रक्चर क्या होता है कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑन दिस पॉइंट्स। नंबर वन इज एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड अपेंडिसेस। दिस लास्ट पॉइंट इज नॉट कंपलसरी बट यू कैन कॉल इट एज अ सप्लीमेंट्री मटीरियल, यू कैन एड ऑन टू इट। बट ये ऐसा जितना जरूरी नहीं होता, अगर आप इसको स्किप भी कर देते हो सो इट डजेंट मैटर। But if you want to add into your document, that you can add, it's up to the author's choice. Like how he, she is just making the use of appendices in his, her document. Here we can see the purpose of each section. Abstract. Abstract क्या होता है? Abstract basically एक brief introduction होता है आपके topic का, जिसमें जो के like के consist होता है 300 और लेस देन 300 वर्ड्स के ऊपर, जिसके अंदर आप जो है एक सिंगल पैराग्राफ जनरेट करते हो, आप उसके अंदर तमाम चीज़ें बता देते हो कि आपका टॉपिक क्या है, किस तरीके से काम करेगा, या जो क्या मेथडोलॉजीज, क्या टेक्निक्स, क्या फाइंडिंग्स है, तो सब जो है वो हमारी इस एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती है। लेकिन वो एक कंसिस्ट होता है एक सिंगल पैराग्राफ के ऊपर जिसमें 300 या लेस देन 300 वर्ड्स हो सकते हैं।
देन हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक एक्सप्लेन होता है आपके डॉक्यूमेंट का, आपके टॉपिक का, जो कि 2-3 पैराग्राफ पे डिपेंड हो सकता है, जिसके अंदर आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड नॉलेज बताते हो कि आपने टॉपिक क्यों चूज किया, की रिक्वायरमेंट क्या थी, आपको कहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नजर आया जिसको आपने अपना एक रिसर्च का टॉपिक बना के आपने उसके ऊपर ये रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हो, सो और आप इस पे क्या तरीका होगा, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन होगी, जो ओवरऑल पर्पस इसका क्या है, या कौन से रिसर्च क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इसके अंदर सॉल्व करेंगे आप लोग, तो वो हमारा सब कुछ इंट्रोडक्शन की सेक्शन में आ जाता है। देन हमारे पास आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू दैट मीन्स के किसी भी प्रीवियस ऑथर का या उनके स्कॉलर्स का आप अगर रिसर्च पेपर उठाते हो तो उनको आप रिव्यू करते हैं उनके रिसर्च पेपर्स को, कि उन्होंने किस तरीके से वो पेपर किस टेक्निक के साथ सॉल्व किए हैं, उसमें उन्होंने क्या मेथडोलॉजी उनकी इम्प्लीमेंट थी, उनको क्या रिजल्ट्स थे, क्या फाइंडिंग्स थी उनकी उस मेथडोलॉजीज के अगेंस्ट, तो वो जो एक होता है तकरीबन हमारे पास एक लिटरेचर रिव्यू के अंदर आ जाता है। सिंपली आप इसको एक टेबल फॉर्म में जनरेट कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू, कि सपोज आपने क्या किया, 4-5 कॉलम आपने ड्रॉ कर दिए, उसके अंदर आपने बता दिया कि आपके आपने कितने रिसर्च पेपर स्टडी किए हैं, उसमें ऑथर ने ऑथर का मेन स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने किस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया और कौन सी प्रॉब्लम जो थी उन्होंने कहा कि हमारे पास नेगेटिव हो सकती है, और उन्होंने किस प्रॉब्लम पे आके कहा था कि इसको अगर हम साइट करेंगे डिफरेंट रिसर्च पेपर्स के अंदर तो कौन सा वर्क हम फ्यूचर वर्क के लिए लीव कर रहे होते हैं। तमाम जो हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ जाता है वो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू के अंदर आ जाता है। देन हमारे पास सेक्शन आता है मेथडोलॉजी का। मेथडोलॉजी क्या होता है, बेसिकली ये कंसिस्ट होता है, आप चाहो तो उसके अंदर 2-3 चैप्टर आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इसमें बेसिकली तमाम टेक्निक्स, इम्प्लीमेंटेशन, एक प्रॉपर मेथडोलॉजी चलती है कि आपका जो टॉपिक है वो किस टेक्निक के साथ सॉल्व होगा, आप उसके अंदर डिफरेंट डायग्राम्स को यूज कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट कर सकते हो, आप उसमें एल्गोरिथम्स वगैरह लगा सकते हो, तो जितनी भी आपकी टेक्निक्स होंगी या कोई प्रॉब्लम आप उसको किस तरीके से उसको डिफाइन करोगे, क्या टेक्निक्स आप उस पर लगाएंगे, तो तमाम जो आपकी होगी वो मेथडोलॉजी के अंदर आ जाता है। रिजल्ट्स होते हैं वो मेथडोलॉजी जो भी आप इम्प्लीमेंट करोगे वो उसके अगेंस्ट होता है, रिजल्ट जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, आपकी फाइंडिंग्स जो होती हैं फिर आपको उससे उस पर परसेप्शन रिकॉल्स आप उस पर लगा सकते हो कि इधर कितने रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव थे, कितने न्यूट्रल थे, कितने नेगेटिव थे, और कितना रिस्पॉन्स आपके पास जो है रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जो भी आपका टॉपिक था वो क्या आया, क्या आपकी फाइंडिंग्स रही उस रिसर्च पेपर के अंदर, तो तमाम आपका रिजल्ट के अंदर आता है। डिस्कशन बेसिकली क्या होता है, ये मेथडोलॉजी के अंदर ही आ जाते हैं कि जिसके अंदर आप कमेंट करके बता रहे हो तो तमाम चीज़ों को कि क्या सजेशंस थी उस जो आपने डेटा उसके अंदर यूज़ किया उसके क्या सजेशंस थी, या वो किस तरीके से आपके रिजल्ट्स जो हैं वो हाईलाइट होकर आए हैं, तो वो तमाम आपका डिस्कशन के अंदर आ जाता है। देन हमारे पास आता है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या होता है, सम अप होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें वो प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कंपेयर कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्लूजन होता है वो सिमिलर होता है, तो मैं इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, होप आपको समझ में आ जाए। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एक सिंगल पैराग्राफ के ऊपर कंसिस्ट होता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है 300 या लेस देन 300 वर्ड के ऊपर, वो सिंपल एक पैराग्राफ होता है जिसमें आपके 3-4 क्वेश्चन डील हो रहे होते हैं। कॉन्क्लूशन क्या होता है, कॉन्क्लूशन आप एक समअप होता है, एक समरी होती है आपके पूरे रिसर्च की, जिसके अंदर आप जो है पैराग्राफ लिख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू ऐड सम रिप्रेजेंटेशन लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, या आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू उसको बताना चाहते हो, या आप जो है उसको चार्ट के थ्रू बताना चाहते हो, तो ये आप इसके अंदर तमाम चीज़ें लाइक टेबल्स वगैरह आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। देन हमारे पास आते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप सिंपली उसको अरेंज कर दें कि जिन जिन रिसर्च पेपर से आपने रेफरेंस लिया है, आपके रिसर्च पेपर जो आपने लिखा है वो किस किस रिसर्च पेपर से आपने उसको आइडिया लिया है, तो उसको आप एक अरेंजमेंट दे सकते हो, तो वो हमारे पास एक रेफरेंस कहलाता है। अपेंडिसेस अगेन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अंदर हमारे तमाम डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं, जितने भी रेलेवेंट होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, जितने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे पास रेलेवेंट मटेरियल होता है इन शॉर्ट, वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दैट कैन बी द लेटर टू द पार्टिसिपेंट्स और द ऑर्गेनाइजेशंस,
so that you can add into it. Here we will see how to write abstract. Abstract में हम क्या लिखते हैं? Abstract basically इन चार सवालों को sum up करके हम लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहली statement होती है what did you do this study or project. आप ये स्टडी या ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं, तो ये उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप एब्स्ट्रैक्ट में लिखोगे. व्हाट डिड यू डू एंड हाउ, आप ये काम किस तरीके से करेंगे. व्हाट डिड यू फाइंड, आप इसमें से क्या आपकी फाइंडिंग्स होंगी और उन फाइंडिंग्स का जो है मीनिंग क्या होगी, उन रिजल्ट्स के मीनिंग क्या होंगी. तो आप जो है तकरीबन चार क्वेश्चन को जब जस्टिफाई करते हो तो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट रेडी हो जाता है. देन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या करते हो, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हो अपने टॉपिक की. बाय द टॉपिक इज वर्दी रिसर्चिंग, आप ये चीज बता रहे होते हो कि आपने जो टॉपिक लिया है वो वर्दी रिसर्चिंग क्यों है. देन आप बताते हो कि स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, आपके रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. एंड देन स्कोप ऑफ द स्टडी और ओवरव्यू ऑफ द रेस्ट ऑफ द पेपर, और तमाम डिफरेंट रिसर्च पेपर्स का एक ओवरव्यू, जिसको मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कह सकती हूँ कि जहाँ से आपने इंस्पायर्ड होके आपने इस टॉपिक को पिक किया है. लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू में हमारे पास ये फोर गाइड क्वेश्चंस होते हैं. नंबर वन, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अ टॉपिक अंडर कंसिडरेशन, जो टॉपिक आपने चूज किया है उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है. देन हाउ आर द स्टडीज रिलेटेड टू द वन बींग प्रपोज्ड, और उसके अंदर कौन सी स्टडीज को जो जो उन्होंने आइडिया प्रपोज किया है, उन्होंने उसको किस टेक्निक्स को या किस तरीके को उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द स्टडीज रिव्यूड, और उसके अंदर आपने जो अगर रिसर्च पेपर्स को रिव्यू किया है तो उन्होंने किन किन पेपर्स को रिव्यू करके उसके अंदर उसके स्टेटमेंट्स वगैरह डिफाइन की हैं, और वो कितना जो है पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिला है. Then how will the proposed study contribute to the existing literature? और जिन्हों आपने जितने previous research papers पढ़े हैं वो आप जो research paper लिख रहे हो उसमें उनका क्या contribution होगा. Methodology, methodology to demonstrate that you are aware of the research methods. आपको इतनी knowledge है, आप research method से aware हो. Used to study this topic to justify the research method and approach you have लेकिन और यू स्टडी, आप जो भी रिसर्च या जो भी आप अप्रोच जो है अपने चूज्ड टॉपिक के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करोगे वो आप उसको तमाम स्टेटमेंट्स उसको जस्टिफाई करनी चाहिए. टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एनालिसिस, तमाम उसके जो डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स होते हैं, जो एनालिसिस होती हैं, वो हमारे पास सारे मेथडोलॉजी के अंदर आ जाती है. कॉन्क्लूजन, द रिजल्ट एंड डिस्कशन शुड बी द फोकस ऑन दिस पार्ट. कंक्लूजन के अंदर जो होता है हम रिजल्ट्स और डिस्कशंस को फोकस कर सकते हैं. ये बेसिकली क्या होता है, सम अप ऑफ योर फाइंडिंग एंड हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द आउटकम ऑफ योर स्टडी. कंक्लूजन के अंदर जो भी आपकी फाइंडिंग्स, जो भी आपके रिजल्ट्स से, जो भी आपके आउटकम्स से, उसको डिफाइन करता है, और टू आउटलाइन एनी इम्प्लीकेशन और रिकमेंडेशंस इंडिकेटेड बाय द फाइंडिंग्स. या इसके अंदर आप जो है कोई भी रिकमेंडेशंस जो भी फाइंडिंग्स के थ्रू आपको मिली है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो. रिजल्ट्स जैसे कि द फाइंडिंग ऑफ योर रिसर्च और डिस्कशन क्या होता है, शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर डेटा सजेस्ट. रिजल्ट्स में आप अपने रिसर्च की जो भी फाइंडिंग्स है वो लिख सकते हैं, और डिस्कशन के अंदर आप ये शो कर सकते हैं कि व्हाट योर डेटा सजेस्ट, आपका डेटा क्या सजेस्ट करता है. रेफरेंस, टू लिस्ट अल्फाबेटिकली ऑल द रेफरेंस मटीरियल दैट हैव बीन साइटेड इन द टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट. जो भी आपने रिसर्च मटेरियल से यहाँ पे रेफरेंस मटेरियल ऐड किया है उनको एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप उसको अरेंज करें. रेफरेंसिंग योर पेपर, रेफरेंस नीड टू कंटेन ऑल वर्क साइटेड इन द टेक्स्ट. जो भी आपने वहाँ पे रेफरेंस वर्क लिया है वो आप वहाँ पे साइट होना चाहिए. रेफरेंस शुड कंसिस्टेंटली फॉलो द रिकॉग्नाइजेबल सिस्टम. और आप जो भी यहाँ पे रेफरेंस पे ऐड कर रहे हो वो किसी ना किसी रिकॉग्नाइजेबल सिस्टम्स को लाइक के फॉलो करता हो. जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कोई भी आप स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ले सकते हो जिसके ऊपर आप यूनिफॉर्म वे में आप उसके ऊपर अपना पेपर लिख सकते हैं. अपेंडिसेस में मेरे पास आता है टू प्रेजेंट रेलेवेंट डिटेल, रेलेवेंट डिटेल सच एज लेटर टू पार्टिसिपेंट और ऑर्गेनाइजेशन. टू प्रेजेंट डिटेल ऑफ क्वेश्चनेयर, सर्वे या रेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट दैट यू डेवलप फॉर द पर्पस ऑफ द स्टडी.
टू प्रेजेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, पॉलिसी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो ये तमाम चीज़ें होती है जो कि आप अपेंडिसेस में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने इस रिसर्च के दौरान आपने कोई क्वेश्चनेयर्स या सर्वे या पॉलिसी या कोई ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई थी तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। वेयर एंड हाउ डू वी बिगिन, हम कैसे और कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो नंबर वन, चूजिंग अ सब्जेक्ट फॉर रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर के लिए कोई भी एक अच्छा सा सब्जेक्ट ढूंढना that interest you but from which you can still learn much. कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या जो जिससे आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, बट वो जो हो जिससे आपको सीखने को कुछ ज़्यादा मिले, वो ना ज़्यादा ब्रॉड हो ना ज़्यादा डिफिकल्ट हो। वन फॉर विच यू कैन फाइंड मटीरियल फ्रॉम पॉपुलर मैगजीन बुक्स एंड जनरल रीडिंग, दैट वन हैज इंटरेस्ट फ्रॉम द एवरेज रीडर। आपको टॉपिक अपना ऐसा रखना चाहिए कि अगर कोई भी एक एवरेज रीडर पढ़ता है तो वो उसके नॉलेज में वो चीज़ें आए ताकि वो अपने फ्यूचर वर्क में आपके काम को रिकमेंड करे। देन गैदरिंग मटेरियल, हम मटेरियल को कहाँ से गैदर कर सकते हैं, तो वो दैट में डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, इंटरव्यू, द लाइब्रेरी, स्पेशल बुलेटिन एंड रिपोर्ट। दीज कैन बी द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गैदर द मटीरियल फॉर आवर रिसर्च। Or the different research papers, that depends on your browsing. Common type of outline. Have some idea of topics in which you will be needing information. Before starting like a preliminary outline, जैसे अगर आप ready करते हो कि क्या topics हैं और किस तरीके से वो होंगे जिनके बारे में आपको कुछ basic knowledge होनी चाहिए, begin your reading with a few journal articles which give an overall survey. Try to anticipate the important questions your paper will have to answer. Jot down what seems to be the major division of this subject. जब आप रिसर्च पेपर लिखने लगते हो तो सबसे पहले आप कुछ मेन क्वेश्चंस ऐसे बनाइए जिसको आप खुद से आंसर करें और आपको लगे कि जो प्रॉब्लम आपने यहाँ पे फाइंड की है अपने रिसर्च पेपर के अंदर जिसको आप सॉल्व करोगे, उससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चंस रेडी करेंगे वो उनको जस्टिफाई करें ताकि आपके पास एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, एक अथॉरिटी और एक ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होता चला जाए। तो आप जो भी इससे रिलेटेड काम करोगे आप उसको वेस्ट मत समझिएगा, उसको अपने पास जॉट डाउन हर पॉइंट को करते चले जाएगा ताकि आपके लिए वो इन फ्यूचर या वाइल वर्किंग वो आपके लिए काम आ सकता है। एन आउटलाइन शुड लुक लाइक दिस, आप जो एक आउटलाइन रेडी करते हो अपने रिसर्च पेपर के लिए वो कुछ इस तरीके की होती है कि एक इंट्रोडक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है जिसके अंदर आप कुछ मटेरियल्स वगैरह ऐड करते हो। तो ये बेसिक आउटलाइन ऑफ अ पेपर, सिंपली यहाँ पे देखिए ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा एंड देन बॉडी होगी, ये सिंपल जस्ट फॉर एन आइडिया है। तो आप इस तरीके की आपका एक रफ ड्राफ्ट, एक आपकी आउटलाइन रेडी हो सकती है। Quoting means to repeat. That means to repeat. अगर आप एक कोई ऑलरेडी लिखी हुई चीज़ है उसको आप दोबारा बता रहे हो तो वो हम quotations के अंदर बता रहे होते हैं। Another source word for word using quotation mark. आप किसी भी previous author का काम अपने paper के अंदर अगर आप mention करते हो तो आप quotation marks के through बता रहे होते हो। Here make it easier for your reader. Keep quotes short. Give only information needed to identify the source on your work cited page. You don't need to cite information that is common knowledge. आप सिर्फ अगर आप किसी researcher का काम अपने document के अंदर add करना चाहते हो तो आपसे वो special point जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है आपसे वो add करें। जरूरी नहीं है कि वो तमाम paragraph आप उठा के copy करके वहाँ पे add करें। कुछ ऐसे word हैं जो आपको लगता है, कोई single line है या कुछ word है, आप वो quotations के अंदर add कर सकते हो while giving a proper reference कि आपने किस author को copy किया है। In researcher papers, you should quote from a source. अगर आप किसी भी researcher से एक quote को copy करते हो तो वो इस तरीके से लिखी जानी चाहिए। जैसे how do I quote an author, जैसे कि statement है proper quotations के अंदर लिखी गई है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। To show that an authority supports your point, आपका इस तरीके से लिखना एक अथॉरिटी होती है कि लाइक आप जो काम प्रेजेंट कर रहे हो वो आपका नहीं है, वो किसी और वर्क किसी और स्पेसिफिक स्कॉलर का है। टू रिप्रेजेंट और टू प्रेजेंट अ पोजीशन और आर्ग्यूमेंट, टू इंक्लूड स्पेशली मूविंग और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट लैंग्वेज एंड टू प्रेजेंट अ पर्टिकुलरली वेल स्टेटेड पैसेज
whose meaning would be lost or changed if paraphrased or summarized. आप इस उसके इसमें ये चीज कर सकते हो जब आपको लगता है कि अगर आप किसी भी स्कॉलर का किसी भी रिसर्चर का काम अगर आप उठा के पैराफ्रेज कर दोगे तो उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, तो आप चाहते हो कि एज इट इज यही मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो आप इन दैट केस ओनली यू कैन ऐड इन द कोटेशंस, अदरवाइज आपको अगर लगता है तो आप उसको पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, बट अगर पैराफ्रेजिंग नहीं करनी तो आप सिंपली जब एज इट इज कॉपी करोगे तो आप कोटेशंस के अंदर उसको प्रॉपरली मेंशन करोगे. बी ओरिजिनल एंड डोंट प्लेजराइज. आपका जो भी काम है वो आपका ओरिजिनल काम होना चाहिए, आप किसी भी दूसरे रिसर्चर्स का काम कॉपी ना करें, प्लेजराइज ना करें. पासिंग ऑफ समवन एल्स वर्क इज योर ओन वेदर वी डोंट दिस डेलिबरेटली और नॉट. नॉट एक्नॉलेजिंग व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज डेटा टेबल फिगर और ग्राफिक्स फ्रॉम अदर राइटर इंडिकेटली पैराफ्रेजिंग अ सोर्स. लाइक प्लेजरिज्म क्या होता है कि किसी दूसरे का काम आप अपने रेफरेंस पे अपना काम बता के रिप्रेजेंट करें वो प्लेजरिज्म कहलाता है. उसके अंदर आपका टेक्स्ट आ सकता है, डेटा आ सकता है, टेबल होता है, फिगर होता है, ग्राफिक होता है, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो प्लेजराइज ही कहलाएगा. पैराफ्रेज व्हाट. अगर मैं प्लेजरिज्म यहाँ पे करती हूँ तो प्लेजरिज्म इज अ सिंपली क्राइम. The act of presenting another's work or ideas is your own. किसी और का काम आप अपना काम बता के रिप्रेजेंट करो वो प्लेजरिज्म कहलाता है. Like here you can see he is a plagiarizer. I have just stolen other's author work. He has stolen the work from the other author. And you can see the punishment. Plagiarism versus paraphrasing. Plagiarism और paraphrasing में क्या फर्क होता है? Plagiarism होता है आप उसको as it is copy करें. पैराफ्रेजिंग क्या होता है? सेम डॉक्यूमेंट सेम स्टेटमेंट को आप अपनी ओन वर्डिंग में उसको शफल अप करके उसको डिफरेंट तरीके से बयान करो, वो हमारे पास पैराफ्रेजिंग कहलाती है. यही सेम डॉक्यूमेंट है. यहाँ पे अगर आप देखें कि एक स्टेटमेंट लिखी गई जापान्स ब्यूटीफुल माउंट फूजी लास्ट रप्टेड इन 1707 एंड इज नाउ क्लासिफाइड एज डोरमेंट. डोरमेंट वोल्केनोस शो नो साइन ऑफ एक्टिविटी बट दे मे इरप्ट इन द फ्यूचर. अब ये एक स्टेटमेंट है जो कि डायरेक्टली कॉपी किया गया, जिसको डायरेक्टली कोट किया जाए. अगर यही स्टेटमेंट को हम पैराफ्रेज करें, माउंट फूजी द हाईएस्ट माउंटेन इन जापान इज एक्चुअली अ डोरमेंट वोल्केनो. डोरमेंट मींस दैट इज नॉट एक्टिव. द लास्ट टाइम माउंट फूजी इरप्टेड वाज इन 1707 एंड देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर इरप्शन. हियर यू कैन सी एक सिंपल पैराग्राफ को अगर मैं एक कोट करूं या उसके मैं पैराफ्रेजिंग करूं तो बात वही होती है, सिर्फ उसको बताने का तरीका अंदाज अलग होता है. हियर वी हैव अनदर एग्जांपल. ये हमारे पास प्लेजरिज्म है और अगर मैं पैराफ्रेजिंग करूंगी तो ये मेरे पास एक्सेप्टेबल प्लेजरिज्म कहलाता है. जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि कौन सा प्लेजरिज्म जो होता है प्लेजरिज्म होता है और कौन सा प्लेजरिज्म एक्सेप्टेबल होता है. तो ये हमारे पास नॉन प्लेजराइज्ड एक फ्रेज है जिसको मैंने सिर्फ क्या किया है, कॉपी किया है और उसको ओन वर्ड में राइट अप किया है. ओके. व्हाई यूज अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट. जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट की क्यों नीड होती है? हेल्प योर रीडर्स अंडरस्टैंड योर आर्ग्यूमेंट एंड द सोर्स दे आर बिल्ट ऑन. अलाउ रीडर्स टू क्रॉस रेफरेंस योर source easily if they are doing further research. Provide consistent format gives your credibility and reliability as a writer. Hum agar ek system koi bhi single format ko follow karte hain to wo readers ke liye kafi helpful hota hai ki jo hum baat karna chahte hain wo easily us baat ko understand karte hain aur ek hi platform pe rehkar ek hi format pe rehkar hamara kaam agar koi dusra reviews ke liye jab jata hai jab recheck hota hai to wahan pe hamare kaam ki reliability badh jati hai, wo zyada authenticate kaam mana jata hai. Why should you bother? अगर मैं किसी भी फॉर्मेट का ख्याल नहीं रखती हूँ तो मुझे इस चीज के लिए बॉदर होने की क्या जरूरत होती है? इट डेमोंस्ट्रेट दैट यू हैव लुक्ड अप द इंफॉर्मेशन टू प्रूव योर पॉइंट. बेसिकली क्या करता है, आपने जितने भी पॉइंट अपने रिसर्च पेपर के अंदर ऐड किए हैं वो सबकी वैलिडिटी होती है, वो बता रहे होते हैं कि आपका काम कितना परसेंट वैलिड है क्योंकि आपने प्रॉपर जनरल प्रॉपर फॉर्मेट को आपने फॉलो किया होता है. फॉर्मेटिंग योर रिसर्च. अपने रिसर्च पेपर को फॉर्मेटिंग
देर आर फ्यू टाइप्स जिसके फॉर्मेट्स जिसपे हम कर सकते हैं. एमएलए फॉर्मेट होता है, एपीए फॉर्मेट है, एसीएम फॉर्मेट है. एमएलए फॉर्मेट इज मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. इट्स द ऑफिशियल गाइड टू नॉन फिक्शन राइटिंग वाइडली अडॉप्टेड बाय स्कूल्स, एकेडमिक डिपार्टमेंट एंड इंस्ट्रक्टर्स. ओके, एपीए फॉर्मेट क्या होता है? इट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. इट इज एन अकेडमिक फॉर्मेट कॉमनली यूज्ड to cite source within the social sciences, used by the various other scientific journals including medical and public health journal, textbook and academic. But ACM format हमारे पास है Association for Computer Machinery. ये computer machinery का format हमारे पास यहाँ पे आ जाता है. It's the largest and the oldest international scientific and industrial computer society where they publish their own journals or proceedings. ACM format जो होता है computer machinery का है, जिसके अंदर हम जो है अपने जर्नल्स वगैरह को या जहाँ पे वो वेल नोन जो होते पब्लिश होते हैं. यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि इन फॉर्मेट्स में डिफरेंस क्या आता है. नंबर वन, एमएलए एंड एपी को अगर कंपेयर किया जाए तो पेपर साइज इसका क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड साइज होता है. इट हैज नो एनी स्टैंडर्ड साइज. पेज मार्जिन ऑल साइड वन होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और यहाँ पे भी वन होता है. फॉन्ट 12 टाइम्स रोमन और करियर for figure who, however use a sans serif front such as Arial. So यहाँ पे जो है different है, जबकि यहाँ पे है जो है सिर्फ टाइम्स रोमन यहाँ पे आ जाता है. स्पेसिंग डबल है और यहाँ पे अलाइनमेंट जो है फ्लश लेफ्ट है पैराग्राफ. तो यहाँ पे जो होती है ये एक प्रॉपर तरीका होता है बताने का कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. तो उसके अंदर एक तमाम गाइडलाइन आपके पास मौजूद होती है. टाइटल पेज, सेक्शन हेडिंग किस तरीके से मेंशन होती है, तो इस पूरी एमएलए गाइडलाइंस और एपीए गाइडलाइंस पे आपको मिल जाएंगे. आर टेबल्स एंड इलस्ट्रेशन, टेबल्स किस तरीके से यूज होती है, पूरी गाइडलाइन होती है. तो ये एक सिंपल एक आपके पास फॉर्मेट होता है जिसको देखकर आप जो है हर एक चीज को अपने ऐड करते हैं. जैसे यहाँ पे अगर एपीए के अंदर देखा जाए तो ईच ऑफ दीज सेक्शन इफ प्रेजेंट बिगिंस अ न्यू पैसेज, अ न्यू पेज. टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, बॉडी, रेफरेंस, इसके अंदर आप जो हर जो हेडिंग होगी वो न्यू पेज की तरफ हमारी चलती चली जाएगी. तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं, फॉर्मेट होते हैं. राइट, बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ द सोर्सेज यू यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन फॉर योर पेपर. रेफरेंसेज जो भी आपने ऐड किए हैं वो किसी न किसी रिसर्चर्स का जो आपने काम लिखा है वो एक प्रॉपर लिस्ट में एक प्रॉपर सोर्स आप उसकी प्रोवाइड कर दें, इन्फॉर्मेशन आप उसकी प्रोवाइड कर दें. As a rule of academic writing, student needs to admit the truth when they use other people's ideas, views, data, information, written material, audiovisual resources, etc. When you use a direct quotation or copied section, follow cite the source and no bibliography truth secret. Intends to tell reader about accuracy, value and relevancy of the source that are cited. Aap jo bhi kaam आप अगर कोई टेक्स्ट, कोई कॉपी, कोई फिगर, कोई इमेज, कोई ग्राफ अगर वहां से कॉपी करते हो तो दैट मीन्स वो प्रॉपरली साइटेड होना चाहिए. इससे आपके काम की वैल्यू, आपकी रेलेवेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है. ये अगर बुक्स के अंदर आप देखा जाए तो एमएलए फॉर्मेट या एपीए फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से हम करते हैं. एमएलए फॉर्मेट्स में हमारे पास क्या होता है कि ऑथर्स लास्ट नेम, अगर आप जब रेफरेंस दे रहे होते हो तो किस तरीके से आते हैं, ऑथर का लास्ट नेम पहले आता है एंड फर्स्ट नेम बाद में आता है. बुक टाइटल, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सिटी ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशिंग कंपनी एंड देन पब्लिशिंग डेट इन द लास्ट. अगर आप एपीए से इसको कंपेयर करें तो एपीए में क्या आता है, ऑथर्स लास्ट नेम एंड फर्स्ट इनिशियल, और फर्स्ट नेम का फर्स्ट इनिशियल से, देन पब्लिकेशन डेट, बुक टाइटल, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सिटी ऑफ पब्लिकेशन एंड देन पब्लिशिंग कंपनी लास्ट में, जबकि एमएलए में लास्ट में पब्लिकेशन डेट आता है. तो ये डिफरेंस होता है इन फॉर्मेट्स का जो हम देख रहे होते हैं. इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी में इसका क्या डिफरेंस आएगा, ये किस ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ इंसाइक्लोपीडिया एंड डेट. एंड हियर ऑथर्स लास्ट नेम, फर्स्ट इनिशियल, डेट, टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, वॉल्यूम पेज, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, सिटी ऑफ पब्लिकेशन एंड पब्लिशिंग कंपनी. अगेन मैगजीन और न्यूज़पेपर में किस तरीके से हम इन फॉर्मेट्स को यहाँ पे देख सकते हैं. फिनिश्ड, यू डिड इट.
होप आप ये काम अच्छे से करें। आपको जब एक अच्छे से नॉलेज या अच्छे से गाइडलाइन मिल जाती है तो कोई भी रिसर्च पेपर लिखना इतना मुश्किल नहीं होता है। आप एक प्रॉपर कोई फॉर्मेट लें, उसको आप फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपने तमाम आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले आपका टॉपिक होता है मेन चीज जिसको चूज करना आपका होता है कि अगर आपको किसी भी एरिया के अंदर अच्छी नॉलेज है और आपको लगता है कि मैं इस पे अच्छा सा रिसर्च पेपर लिख सकता हूँ तो गो फॉर द लिटरेचर रिव्यू फर्स्ट। आप लिटरेचर रिव्यू देखें, वहाँ उनके इंट्रोडक्शंस पढ़े, उनके फ्यूचर वर्क पढ़े, उनके कॉन्क्लूजन्स देखिए, उनके मेथोडोलॉजीज आप देखिए कि किस तरीके से प्रीवियस रिसर्चर ने काम किया है, उनकी क्या टेक्निक्स थी और उनकी फाइंडिंग्स किस तरीके से उनको होती थी। तो वो आपके लिए एक लाइक होता है कि इंस्पायर्ड होते हैं आप उनसे, और उन्हीं के काम को अगर लेफ्ट ओवर होता है तो वो आपके लिए पिकअप करना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपकी जो मेन प्रेफरेंस होती है कि रिसेंट ईयर, जितने भी रिसेंट ईयर का अगर आप रिसर्च पब्लिश्ड रिसर्च पेपर पढ़ोगे उसमें वैलिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना रिसेंट पेपर होगा उसमें वैलिडिटी यूं बढ़ेगी कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को पिक कर रहे हो तो आपको देन दैट वहाँ पे नोटिफाई हो जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम किस हद तक सॉल्व हो चुकी है। अगर किसी आपके प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे रिसर्च पेपर्स का बीच में कोई गैप आ जाता है 5 ईयर 10 ईयर 7 ईयर का, तो वहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क बीच में रह जाता है कि इधर ये टॉपिक पहले से सॉल्व हुआ है या नहीं। जब तक हमें उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी को अश्योर करने के लिए 6 मंथ 1 ईयर हमारा स्पेंड हो जाता है कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना वैल्यूएबल था या ये ऑलरेडी डन था या क्या था, वहाँ पे फिर हमारे पास प्लेजरिज्म के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले टॉपिक और उससे रिलेवेंट रिसर्च पेपर्स रिसेंट ईयर्स के, देन आप उसके ऊपर क्या मेथडोलॉजीज क्या टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करोगे, क्या सॉफ्टवेयर्स आपके नॉलेज में हैं जिनको आप यूज़ करेंगे, तो तमाम उसका एक रफ ड्राफ्ट आप रेडी करें अपने पास, वो आप अपने सुपरवाइजर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो आपको अच्छे से गाइडलाइन दे सकें, और आप जब रिसर्च पेपर का स्टार्ट लें तो तमाम गाइडलाइंस को सामने रखकर उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए एंड कीप इन टच विद योर सुपरवाइजर ताकि वो आपको हर स्टेप पे गाइड करते रहें। रिसर्चर्स बहुत इन डेप्थ होकर काम करते हैं और वो किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जब भी उनके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैलिड होते हैं। आई होप this was helpful to you. If you find any suggestion or anything, you can ask through the comment box. Inshallah, aapko wahan pe guide kiya jayega. Till then, thank you so much. Allah Hafiz.